ने क्या है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, of occurrence of an event given that another event has already occurred, given that another event has already occurred. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई पी ए, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, पी ए अपॉन बी बोलते हैं इसको, पी ए अपॉन बी, इट इज डिनोटेड बाई दिस, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई दिस पी ए अपॉन बी, दैट इज probability of occurrence, probability of occurrence of event A, given that B has already occurred, probability of occurrence of event A, given that event B has already occurred, given that event B has already occurred. फॉर्मूला क्या होता है इसका देखिएगा, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, या फिर इसको बोल सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी. अभी बताता हूँ ये किस तरीके से होता है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब भी कभी हमसे पूछा जाता है कि दो कोई इवेंट है, या आपको ये क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि दो अलग अलग तरीके के इवेंट्स हैं, उसमें से एक इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ऐसी चीज इसको हम बोलते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 534. एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल वन है इफ पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी बी इज इक्वल टू 9/13, पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी बी इज इक्वल टू 9/13, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13. तो वो पूछ रहे हैं कि आप पी ए अपॉन बी बताइए, तो पी ए अपॉन बी, तो अपॉन में बी है यानी कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अपॉन में तो आ जाएगा पी बी, और न्यूमरेटर में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/13, और पी बी कितना है? 9/13. तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 13 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 13 है, तो ये क्या हो गया? 4/9, ई ए अपॉन बी हो गया 4/9. ठीक, इसके बाद एग्जांपल नंबर टू देखिएगा,
सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए, सिंपल है ये तो? यस सर। ठीक है, ठीक है, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल टू में है, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये मुझसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो हम ये कहेंगे, लेट देयर बी टू इवेंट्स, लेट देयर बी टू इवेंट्स। एक तो मैंने मान लिया इवेंट ए, इवेंट ए क्या हो गया, इवेंट दैट, इवेंट दैट both children are boys, event that both children are boys, ये तो हो गया event A। और दूसरा event क्या है, which has already occurred, तो event क्या बोला है, given that at least one of them is a boy, event that at least one of them event that at least one of them is a boy, at least one of them is a boy। अब देखिएगा यहां पर हम ये कहेंगे कि सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक फैमिली है, उस फैमिली में दो चिल्ड्रन है, तो सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा कि पहला बॉय और दूसरी गर्ल, तो बी वन जी टू, पहला बॉय और दूसरा भी बॉय तो बी वन बी टू, पहली गर्ल और दूसरा बॉय तो जी वन बी टू, और पहली भी गर्ल और दूसरी भी गर्ल। तो ये हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो टोटल पॉसिबिलिटीज़ ये हो गए। ठीक, अब ये इवेंट क्या है, इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आप बताइए, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज का क्या हो गया, सिर्फ एक ही तो केस है ऐसा चार में से, तो ये हो गया 1/4। फिर करेंगे पीबी, तो पीबी का मतलब क्या, इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो जो भी हमको इवेंट दे रखा होता है ना कि ये इवेंट ऑलरेडी अगर हो चुका है उसको मुझे पी मानना होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो इधर भी एक बॉय है, इधर भी एक बॉय है ना, और इधर तो दोनों बॉय हैं, तो कम से कम एक बॉय हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो चाहे दोनों हो जाए। ठीक, तो बी वन जी टू, बी वन बी टू, जी वन बी टू, तो तीन केसेस हो गए, तो क्या बोलेंगे, 3/4। ठीक है, उसके बाद अब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इवेंट ए है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और इवेंट बी है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया। अगर हम बोले हैं कि आप ए इवेंट को बताइए, ए इवेंट को एक्सप्लेन करिए, तो इवेंट ए तो वो ये हो गया, इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज मतलब बी वन बी टू, इसमें तो केवल एक एलिमेंट आएगा, और बी में क्या है, इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, बी वन जी टू कॉमा बी वन बी टू कॉमा जी वन बी टू। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी वन बी टू, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, बी वन बी टू। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए की तो एलिमेंट है बस, और आउट ऑफ टोटल 4/4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन भी 1/4 हो गया और पी भी हो गया 3/4, तो बताइए पी ए अपॉन बी कितना होगा, 1/3 तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आया 1/4 अपॉन पी भी कितना है 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/3, रिजल्ट 1/3, समझ गए कि नहीं। तो जो इवेंट हो चुका है उस इवेंट को हम हमेशा बी मानेंगे, और जो इवेंट
पूछ रहे हैं वो कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसको हम हमेशा ए मानेंगे। कंडीशनल में हमेशा हमें ये देखना होता है कि एक चीज़ दे रखी होती है ना कि ये हो गया है और इसकी आप प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है। तो आता हूँ अभी मैं टोटल प्रोबेबिलिटी पर, मुझे लग रहा था डिफरेंशियल का पूछोगे तुम, पर अभी चलो कोई नहीं, चलिए तो एग्जांपल नंबर टू क्लियर है सभी को, वन टू दोनों क्लियर। चलिए जी एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जांपल नंबर थ्री में है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थॉरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 इफ इट इज नोन दैट, तो ये मुझे पहले से पता है कि नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो ये मुझे पता चल चुका है कि ये इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे उस पर जो नंबर आएगा वो 3 से बड़ा बड़ा ही नंबर होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि दो इवेंट्स मानेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास 10 कार्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये टोटल हमारे पास 10 कार्ड्स हैं। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो लेट देयर बी टू इवेंट्स। ये इवेंट को आप मानिए जो हमसे पूछा जाता है उसको हम मानते हैं इवेंट पे। तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, नहीं जो इवेंट हमसे पूछा जाता है जो दे रखा होता है उसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इवेंट दैट नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन थ्री। तो जरा ए इवेंट को जरा एक्सप्लेन करिए, ए में क्या होगा, इवेंट दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज इवन, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 ये इवेंट हो चुका है। इवेंट दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो 3 से बड़े बड़े नंबर ले लीजिए बस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो, तो 4 मतलब इनमें से इवन नंबर निकाल लो बस, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 4, 6, 8, 10 ठीक है। तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, हम जानबूझकर भी उसी को मानते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं पी ए अपॉन बी आपको कैलकुलेट करना है, तो पी ए अपॉन बी कैसे होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 10, तो 4 अपॉन 10। पी बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 10, तो 7 अपॉन 10 ठीक है।
और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 10, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 10, तो क्या हो गया 4/7। तो अगर आप ये देखेंगे 4 क्या है, ये जो 4 आया है ये क्या है, ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो 7 है ये क्या है, ये आया है एन बी। समझ गए आप, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर होता है सेट थ्योरी में, कि एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 आ गया, और बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7 इस तरह से आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आप बार बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करोगे तो भी बात बन जाएगी। बताइए जी, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बताएं? यस सर। बाकी बच्चे बताओ, श्रुति, प्रियांशु, एकांश, कनिष्का, आर्यन? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 3 था, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, तो हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज करा, वो क्लास 12th का स्टूडेंट है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, तो गिवन दैट का मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि जिस स्टूडेंट को हमने चूज करा वो गर्ल है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे लेट देयर बी टू इवेंट्स, तो इवेंट ए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, इवेंट ऑफ choosing a event of choosing a class 12th student, a ho gaya event of choosing a class 12th student, for b hoga given that the chosen student is a girl, event of choosing a girl student, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो जो चीज दे रखी है वो क्या है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, अब वो 12th की है, 11th की है, 10th की है, ये नहीं पता, लेकिन एक स्टूडेंट को चूज करा पूरे स्कूल में से, और वो जो स्टूडेंट है वो एक गर्ल स्टूडेंट है, तो जो चीज हमारे पास आ चुकी है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो वो चीज तो हमारा हो गया इवेंट बी, और इवेंट ऑफ चूजिंग अ क्लास 12th स्टूडेंट बताना है ना, तो ये हमको बताना है। ठीक, उसमें ये नहीं दिया, उसमें उन्होंने बस ये दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, उसमें गर्ल या बॉय कुछ नहीं दिया है, समझ गए, तो ए इवेंट है इवेंट ऑफ चूजिंग अ क्लास 12th स्टूडेंट। ठीक, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे अगर पी बी निकालना है, पी बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं, 1000 बच्चे हैं, समझ गए, 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से 430 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो गर्ल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 430/1000, ये समझ गए। ठीक है, अब इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इवेंट ऑफ चूजिंग अ क्लास 12th स्टूडेंट, इवेंट ऑफ चूजिंग अ गर्ल स्टूडेंट, तो इवेंट ऑफ चूजिंग अ क्लास 12th गर्ल स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इवेंट ऑफ चूजिंग अ क्लास 12th गर्ल स्टूडेंट, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल जाए कि क्लास 12th में गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं,
इन्होंने बोला है इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 के टोटल 1000 में से 430 तो लड़के हैं, और उन्होंने बोला कि आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, तो 430 की 10% जो है वो क्लास 12th में पढ़ती हैं, ठीक है, तो 10% ऑफ 430 ये कौन सी स्टूडेंट्स होगी, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ती हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने स्कूल के 1000, ये समझ में आते कि नहीं बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं भाई इतना क्लियर है, यस सर, ठीक है, तो ये 10% ऑफ 430 हो गई, ये क्लास 12th गर्ल स्टूडेंट्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉन में तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, और 10% ऑफ 430 का मतलब 10 अपॉन 100 इनटू 430, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, और नीचे 1000 तो 43 अपॉन 1000, ठीक है, तो अब पी ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो पी ए अपॉन बी कितना हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 43 अपॉन 1000 अपॉन पी बी कितना 430 अपॉन 1000, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैंसिल आउट हो गया, 43 अपॉन 430, 430 वनजा 430 टेनजा 1 अपॉन 10 या 0.1 आपकी मर्जी है कुछ भी लिख लीजिए, 1 अपॉन 10 या 0.1 बताइए क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं, ये एग्जांपल नंबर 4 का एग्जांपल 5 देखते हैं, एग्जांपल 5 में बोल रहे हैं अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, ए है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंका जाता है, तो आप ऐसे ही बताइए जब डाई को डाई इज थ्रोन वंस तो तब सैंपल स्पेस क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 आउटकम्स, 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, व्हेन डाई इज थ्रोन ट्वाइस तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है जब दो बार फेंका जाता है डाई को 1-1, 1-2 ऐसे करते करते 1-6 तक, फिर 2-1, 2-2 ऐसे करते करते 2-6 तक, इसी तरीके से 3-1 से 3-6 तक, और इसी तरीके से करते करते अल्टीमेटली 6-6 तक जाते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 कितने हो गए 6, फिर ऐसे 2 वाली सीरीज में भी 6, ऐसी 3 वाली सीरीज में भी 6, 4 वाली सीरीज में भी 6, 5 वाली में भी और 6 वाली में भी, तो टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हो जाते हैं 36 आउटकम्स, 36 आउटकम्स, तो 36 आउटकम्स का मतलब क्या हो गया 60 पावर 2, 6 का स्क्वायर आउटकम्स, तो जब हमारे पास एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो 6 की पावर 1 आउटकम, जब एक डाई को दो बार फेंका जाता है तो 6 की पावर 2 आउटकम्स, इसी तरह से जब एक डाई को 3 बार फेंका जाएगा तो 6 की पावर 3 आउटकम्स, तो
देयर विल बी 16 पावर 3 मतलब 216 आउटकम्स, 216 आउटकम्स हो गए, ठीक है, जब उसको तीन बार देखा जाता है। अब वो बोल रहे हैं इवेंट्स ए और बी, ए और बी दोनों इवेंट जो है वो डिफाइन कर रखे पहले से। ए है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, देयर आर टू इवेंट्स, तो पहला इवेंट है ए, इसमें क्या है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, और इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। Six on the first and five on the second throw. तो जो इवेंट ए है, इवेंट ए में क्या है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो कैसे निकलेगा, 114, 124, 134, ऐसे ही करते करते क्या क्या आ जाएगा 164 तक, समझ रहे हैं? इसी तरीके से 214, 224 करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा 264 तक, ऐसे ही 314 से 364 तक, ऐसे ही 414 से 464 तक, ऐसे ही 514 से 564 तक, और इसी तरीके से 614 से 664 तक। तो ए जो है, ए में टोटल आउटकम्स कितने हो गए बता दो, 36, एंड ए मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए 36 हो गया। फिर बी बोल रहे हैं 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, ठीक है, तो बी में क्या हो गया 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, तो थर्ड पर भी तो कुछ आएगा, तो 651, 652, 653, 654, 6 आउटकम हो गए, 655 और 656, ठीक। वो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पर एन बी कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 6 आउटकम है, इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होना चाहिए, एक तो ये एक बी का क्या है 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो 5 ऑन द सेकंड थ्रो, और जो ए है ए में क्या है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो ए की है उस केस कौन सा 654, तो एक केस है केवल ए इंटरसेक्शन बी 654, 654, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल एक केस आ गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1, केवल 1। तो अब मुझे निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, भाई आप पी निकालें यहाँ निकालें, एन बी है हमारे पास तो उससे भी काम चल जाता है, ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 और एन बी कितना है 6 है 1/6, ठीक है। जैसे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स करने आ गए तो हमें सैंपल स्पेस की क्या जरूरत है, क्या अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स करने अगर अगर निकालें तो सैंपल स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, सैंपल स्पेस की जरूरत बस इस वजह से पड़ती है कई बार जो है हमको खुद को क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ होने क्या वाला है,
जैसे यहाँ पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुझे समझ में आ गया, किसी किसी जगह पर मेरे को क्या करना होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने में फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल लगे वो करिएगा। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 6 है, 6 में दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो ये इवेंट हो चुका है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, और ऐसे करते करते 6 6 वाला ये आपका सैंपल स्पेस होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हुए 36, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं the die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6, ठीक है। तो जो b इवेंट है वो क्या है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज 6। अब a क्या है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो a होता है, तो पूछ क्या रही है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ये इवेंट क्या हो गया, नंबर 4 हैज अपीयर्ड, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार नंबर 4 आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ए निकालेंगे, तो कम से कम एक बार नंबर 4 आना चाहिए, तो 1 वाली सीरीज देखो 1 1 1 2 1 3 और 4, 2 वाली सीरीज देखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 वाले में 3 4, फिर 4 वाली सीरीज में नंबर 4 has appeared at least once, तो एक तो 4 1 हो गया, एक तो 4 1 हो गया, और एक क्या हो गया 4 1 4 2 4 3, सारे हो जाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक। इसी तरीके से फिर 5 वाली सीरीज उठाइए, तो 5 वाली सीरीज में तो एक ही बार आता है 4 5 4, फिर 6 वाली सीरीज उठाओ तो 6 4, ठीक। तो ये हमारा ए हो गया। उसके बाद बी देखेंगे, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज 6, ठीक। तो ये क्या होगा, एक तो 1 5, पहली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी डाई पर 5 आ जाए, तो 1 प्लस 5 6, सही है। फोर कुछ बीच बीच में हो जाता है सब, अच्छा तुम्हारा मुंह तब से थका नहीं है, छिटका लगा था 2 घंटे होने वाले जोड़ा नहीं, उसका तो शायद टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है 10-15-20 मिनट बाद, तो टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, फिर भी ऐसे ही। एक चीज़ बता देता हूँ, ये दांतों के लिए अच्छी नहीं होती, ये दांतों के लिए अच्छी नहीं होती है, क्यों तो बताऊंगा, पहले ये कर देता हूँ। वो वाला तो पढ़ा था ना, वो कि एक मतलब जब हम कुछ खाना खाते हैं तो दांतों के बीच में कुछ ना कुछ फंसा रह जाता है, वो जो सलाइवा है, माउथ का जो सलाइवा है वो 5.5 से ऊपर वैल्यू होती है उसकी, 5.5 से 7 के बीच के, मतलब ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, पीएच वैल्यू। हाँ, और जो स्टमक में होता है, स्टमक में 1.52 बस इतना होता है, मतलब इतना कम होता है, और HCl होता है। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर दांतों के बीच में कुछ लावा,
जो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दो तो कमी हो, हाँ तो वो स्टमक में कम पीएच इस वजह से होता है ताकि वो उसको खाने को डाइजेस्ट कर सके। अब तुमने थोड़ी देर के लिए कुछ च्युइंगम वगैरह खा ली, कुछ च्युइंगम की प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी चीज़ को चिपका लेता है अपने अंदर, तो दांतों के बीच में अगर कुछ फंस गया है तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर खा लिया तो वो सबको निकाल देगा, फिर आप उसको थूक दो वो सब निकल गया, माउथ आपका साफ हो गया। लेकिन अगर तुम लगे ही पड़े हो उसमें तो फिर वो क्या होता है कि नेचुरल जो इनेमल होता है ना, इनेमल को खींचने लगता है धीरे धीरे, उसकी प्रॉपर्टी होती है चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की, चिपकाने की अपने अंदर। तो धीरे धीरे जब इनेमल च्युइंगम चबाने से मतलब जो उसके अंदर जो गम होती है उससे मरकरी रिलीज होती है, मरकरी अमलगम फीलिंग। अच्छा तो ये नहीं पता मेरे को, ये और ज़्यादा कुछ एडवांस होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वो, मतलब नुकसान करता है। बैडमिंटन पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताना, क्या कॉमन है 4 और 4, बस और तो कुछ नहीं। Probability of A upon B करके भी प्रॉपर्ली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2, और एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 upon 5 होती है। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इतना ही कर लो आज। और एक एग्जांपल इसमें बचा हुआ है, बाकी जो आपके एक्सरसाइज 13.1 है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है, कल भी सुबह यही टाइम रखेंगे। थैंक यू सर। ओके।